इज माय आउटफिट, हटो। अरे यार मैं, दिस इज माय आउटफिट। अरे यार दिख ही नहीं रहा। तो हल्दी का फंक्शन हो गया एंड उसके बाद इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि हम लोग सो गए थे एंड अभी उठे हैं। अब संगीत होने वाला है एंड कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। आई हैव अटैच्ड सम क्लिप्स। मतलब दिस रिजॉर्ट इज़ द बेस्ट आई थिंक। पता नहीं, मैं कहीं और गई नहीं हूँ तो मुझे यही बेस्ट लग रहा है। फाइनली मेकअप ने अपना काम कर दिया है, मुझे बहुत ही सुंदर बना दिया। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ऐसा। एंड अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है तो मुझे नहीं पता मैं कितना व्लॉग कर पाऊँगी, पर मैं व्लॉग करूँगी बिकॉज मुझे व्लॉग करना है। ए, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुबह हो गई है, मतलब फंक्शन के बाद एज यूजुअल मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई। एंड इसलिए भी सो गई क्योंकि आज सुबह सुबह के बीच जाना था, 5 बजे का प्लान था, उठी भी 5 बजे, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो अभी 6 o'clock हो रहे हैं एंड मैं बीच जाने वाली थी। इतना प्रिटी लग रहा है। सो दिस इज द शादी। सुबह की है, 10 बजे की है तो तैयार भी होना पड़ेगा और इतनी जल्दी तैयार हो नहीं पाते तो हम वापस जा रहे हैं ताकि रेडी हो पाए अच्छे से। ये शादी की प्रिपरेशंस भी चालू हो गई हैं तो सब रेडी हो गए हैं एंड अब हम बारात में जा रहे हैं। मुझे साड़ी में चलते नहीं बनता बिल्कुल। बारात जो स्टार्ट होने वाली है सब आ गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा मेकअप उतरने वाला है मेरा। फाइनली शादी हो गई है और अब मुझे गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि मैं रूम के अंदर आ गई हूँ और मैं चेंज करूँगी एंड फिर हम खाना खाने जाएंगे। सिर्फ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं।